बारंबार खबर प्रसारण पर भी प्रशासन चुप कहीं अभियोग परे अभियोग कले कचेरी भितर कहीं चली स्टाम्प दुर्नीति केबे शेष हेब स्टाम्प कलाबजारी खुलम खुला स्टाम्प दुर्नीति केबे शेष हेब स्टाम्प व्यवहारकारी हिताधिकारी सहित होता शोषण प्रशासन निद केबे भांगिबो स्टाम्प हिताधिकारी केबे स्टाम्प दुर्नीति निस्तार पाइबे बलांगीर सहर रे दिनकु दिन अपराधिक साम्राज्य विस्तार हेबा सह दुर्नीति मध्य बढ़िबार लागिछि खुलम खुला दिन दहाड़े दीर्घ मासरु पदाकु आसीछि सहर मध्य रे थिबा कचेरी भितर थिबा स्टाम्प दुर्नीति सूचना अनुसार विगत वर्ष गुड़िकर स्टाम्प रे दुर्नीति होई आसीथिबा बेले आगरु मध्य जिला वकिल संघ प्रशासन दृष्टि आकर्षण करथिला जहाँ पर मध्य प्रशासनिक कारुकार्य न होता बेले पुणी विगत मास 8-10-2020 रे जिला वकिल संघ एडीएम और श्री लांगुई को लिखित अभियोग करथिला जहाँ अभियोग मासक पर मध्य कौनसी कारुकार्य न होई एबे पुणी लोके अधिक दाम दे हंतसंत होता है अभियोग स्टाम्प दुर्नीति दिन के दिन बढ़वार के जाऊछे इटा खत्म नहीं हवा किसी दिन पूर्व 10-15 दिन तले आम एडीएम को साक्षात करूँ स्टाम्प दुर्नीति उपरे से आमको एश्योरेंस देते गोटे सप्ताह भितर दुर्नीति के बंद करवार लगे और वर्तमान कचेरी भितर 10 स्टाम्प हेंडर थिबारु कंटिन्यू करुचन 2-3 लोक बाकी समस्ते घरे बिक्री करुचन बोली आम शुणवार के पाउचू और 10 टिया जिनिस 20 टाँ 30 टाँ 40 टाँ 50 टाँ भी बिकुचन इमाने 50 टंकिया स्टाम्प के 100-200 टंकार भी बिकुचन वर्तमान कोविड पीरियड रे खायबार के लोग नहीं पायबार हस्तंत हो जाऊ से टाइम रे जेन एक प्रकार करप्शन चली आम प्रशासन के निवेदन करुचू ये करप्शन के जल्दी माने बंद करो और इमान को डाकी करी स्टाम्प रो ठीक माने जो पैसाटा हेबार कथा से पैसा रे नो जदि अधिका पैसा नेबा ताहले इमाने ताके खारज करुन नूतन स्टाम्प हेंडर बाहर करुन जते दिन तक तो स्टाम्प माने दुर्नीति बंद नहीं करबे और स्टाम्प हेंडर मान कर ऊपर किसी एक्शन नहीं नबा प्रशासनिक ताहले आगामी दिन रे जिला वकील संघ स्ट्राइक करबा बोली करी निष्पत्ति सूचना अनुसार बलांगीर जिला तथा सहर रे जनसाधारण सहर मध्य रे थिबा एई तहसील कार्यालय उपर निर्भरशील रहितांती जेउथिरे आय दिन जमी किणा विकास सह अन्यान्य प्रकार कार्यक्रम होइथाय जहाँ सबुबेले स्टाम्प रो आवश्यकता रहिथाय ओ विभिन्न कार्य रे स्टाम्प रो उपयोगिता मध्य रहिथाय जहाँ सीधा सड़क फायदा उठाउछन्ती एबे भेंडर माने कचेरी भितरे 10 टी भेंडर स्टाम्प बिक्री पाइथिबा बेले गोटे स्टाम्प बिक्री रे एमानको कमिशन थिबा सत्ते माने चढ़ा दर रे बिक्री करिबा सह स्टाम्प रे करुछन्ती कलाबजारी जहाँ एबे 2-3 टी भेंडर कचेरी भितरे बारंबार चढ़ा दर रे बिक्री करुछन्ती स्टाम्प आउ जो माने आसुनाहती से भेंडर घरे थाई चढ़ा दर रे स्टाम्प बिक्री करुथिबा बोली अभियोग मध्य आनिछन्ती वकिल संघ जेउथिरे हंतसंत होउछन्ती साधारण जनता जहाँ को नहीं आज सकाळु आईनजीवी तथा पूर्वतन जिला वकिल संघर सदस्य वासुदेव रथ एवं गोपाल चंद्र होतांक सह विजय कुमार रथ माधव पुरोहित प्रशांत सेनापति सुमित खुआसको पाखकु हिताधिकारी ओम प्रकाश सामल स्टाम्प्र चढ़ा दर रे बिक्री होउथिबा अभियोग परे पुणी सक्रिय होईछि वकिल संघ पई कहिथिबा बेले यार समाधान पई अवगत कराइथिले तेबे एटी सूचित थाउ बारंबार प्रशासन रो दृष्टि आकर्षण परे मध्य प्रशासनिक कारुकार्य सुन भली परिलक्षित होउथिबा चर्चा जोर धरिबा सह स्टाम्प रे कलाबजारी भेंडर को प्रशय देउथिबा भली चित्र दृश्य माने होउछि एवं लोकंक भिन्न भिन्न मत प्रकाश पाउछि जहाँ को नहीं बलांगीर जिला वकिल संघ सदस्य बारंबार प्रशासन दृष्टि आकर्षण पर प्रशासनिक टाड़टूल नीति विरोध में किसी आईनजीवी सीधासख चेतावनी दे आंदोलन ले माने जते इटा कोले कि इटा अन्याय पूरा बहुत अन्याय कर तुम कहाँ चाहो यादे कोई तो न्याय न्याय दिया जो कि मन को करे मन को टा बैंड करा जो माने जन भी पूछे लोग कंदा हरान हो जाएंगे बहुत हरान हो जन जन माने कहाँ कोले कोई आउट सुन भी माने गरीब दुखी लोग 10 रुपया जिन्हें के कुड़े टुआ 30 टुआ दे वाला सुनने कंदा कर कुछ जाने डर पैसा आपके प्रशासन के कहाँ निवेदन करो प्रशासन ने तो न्याय दो नहीं ले मन को टा कैंसिल करो पूरा इटा पहले भी तो कोई जन्ना हमें सेनु ऑर्डर आई जो बोली करी अन्यपटे घड़ीसंधि मुहूर्त में सहर सह जिलार लोके चढ़ादर दे स्टाम्प किणी
ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଏବେ ସହରରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚୋର ଧରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସୁଧାକର ନାୟକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାମ୍ପରେ କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କୁ ସୋକସ୍ ନୋଟିସ୍ ମଗାଯାଇଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ନିଜ ମତବ୍ୟକ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ତହସିଲ ଆଉ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବିକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଆମ ଆସ୍ଥାନ କୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଣେ ଭେଣ୍ଡର ବସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ବସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୋ କୋଜ୍ ମାଗିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ କାହିଁକି ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। କୈଫତ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ? ନାଇଁ, କୈଫତ ପାଇଲା ପରେ ଦିଆଯିବୁ, କେତେ ଦିନ ପରେ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର। ତାଙ୍କ କୈଫତ ପାଇଲା ପରେ ବସୁନାହାନ୍ତି ମାନିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସୋ କୋଜ୍ ମାଗିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି ଯେ ହାୟର ରେଟ୍ ବିକୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାଙ୍କର କୈଫତ ତଲବ କରାହେଇଛି, କୈଫତ ମିଳିଲା ପରେ ଯାହା କିଛି କାରଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଠାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକଶକ୍ତି ଟିଭି।